तो झारखंड में नगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं। राज्यपाल महोदय ने इसकी अनुमति दे दी है, फाइल सरकार के पास पड़ी है। आजकल में घोषणा हो सकती है चुनाव की। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चुनाव 19 से 20 दिसंबर तक हो जाएगा। कोई अड़चन हुई चुनाव आगे जा सकता है, परंतु मानगो नगर निगम जिसको हम लोगों ने बहुत संघर्ष करके बनवाया है और यहाँ के सभी बुजुर्ग जितने लोग हैं सबों का इसके लिए आशीर्वाद रहा है। मानगो नगर निगम बना, नोटिफाई हुआ, अब मानगो नगर निगम बना तो इसको नगर निगम के लायक इसको बनाना है। पहले से जो नोटिफाइड एरिया का ऑफिस है उसे बेहतर ऑफिस बनाना है, और जो सरकार से पैसे आ रहे हैं भारत सरकार से, उन पैसों का अच्छा उपयोग कराना है। इसलिए ज़रूरी है कि वार्ड का काउंसिलर हो, वार्ड पार्षद हो, या मेयर हो, या उप मेयर हो, ये सभी अच्छे कर्मठ लोग आए जिनके मन में इस क्षेत्र का विकास हो। ऐसा नहीं कि जिन्होंने राजनीति में पहले से दबदबा बनाया हुआ है वही सारे लोग अपने घर परिवार आस पास के अमचे चमचे को खड़ा करें और उन्हें जिताने की कोशिश करें, ये नहीं होना चाहिए। निर्दलीय चुनाव होना चाहिए और कोई दल इसमें हस्तक्षेप नहीं करे। जिसको भी चुनाव लड़ने की इच्छा है सामने आए, चुनाव लड़ने लगता है कि हम जीत जाएंगे तो लड़े, लगता है कि हम नहीं जीत पाएंगे, हमारे जैसा बेहतर कोई दूसरा आदमी है तो उसकी मदद कर दें, तो ये सब चीज़ें हों यहाँ। इसीलिए आज एक बैठक हमने बुलाया है, इसका उद्देश्य यही है बेहतर मानगो बने और नगर निगम में अच्छे लोग चुनकर आएँ, कर्मठ लोग चुनकर आएँ। ये चुनाव कोई लोकसभा विधानसभा का नहीं है, सरकार बननी है और सरकार गिरनी है। ये हमारे अड़ोस पड़ोस के हालात कैसे रहेंगे, हमारी सड़क गली कैसे रहेगी, बिजली की आपूर्ति कैसे होगी, पानी की आपूर्ति कैसे होगी, हमारे यहाँ साफ सफाई कैसे रहेगी, इन सब चीज़ों को देखने के लिए चुनाव है। और ये चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए जितने भी लोग सामने आए इसमें इसका ध्यान रखें कि इसमें कोई राजनीति नाक न घुसेड़े। और कोई व्यक्ति चाहता है कि हम अपने घर परिवार और आसपास के दबंगों को लेकर ही हम चुनाव लड़ें तो जनता उसको सबक सिखाए, ये उद्देश्य हम लोगों का है। हम लोग आज एक मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग इससे बड़ी मीटिंग करेंगे, एक अभियान चलेगा मानगो की गली गली में बेहतर मानगो बनाने के लिए। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।